मेरा नाम करुणा है। मेरा संबंध गुजरात के एक छोटे गांव से है। उस वक्त मेरी उम्र 35 साल थी। मेरी एक बेटी थी जिसकी उम्र अभी 15 साल हुई थी और मेरे पति का नाम विजय था जो कि रिक्शा चलाया करता था। मेरे पति को हमेशा से ही बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन जब मेरी बेटी इस दुनिया में आई तो डॉक्टर ने कोई भाई भी नहीं दिया था, लेकिन इस औरत ने तो मेरी सारी उम्मीदें ही तोड़ दी। अब मैं इससे छुटकारा पाकर जल्द से जल्द दूसरी शादी करूंगा। और 14 साल हो गए मेरे पति ने मुझे अब तक नहीं छोड़ा और ना ही किसी से दिल लगी की, इसलिए नहीं कि वह मेरे साथ बहुत ज्यादा वफादार था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता था कि अब कोई उसे अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगा। पर पूरे मोहल्ले और रिश्तेदार पर एक लापरवाह इंसान मशहूर था। उसने अपना रिक्शा भी बेच दिया था। वह घर में कपड़े सिया करती थी, अब उसी से घर चलता था। कभी कभी वह कहीं से थोड़े बहुत पैसे ले आता, लेकिन वह सबको ही पता था कि कोई ना कोई पक्की कमाई नहीं है। जाहिर है अगर अपनी बेटी देगा तो वो कमाई तो जरूर पूछेगा और साथ में ये भी देखेगा कि पहली पत्नी से तलाक क्यों लिया। खैर, इधर से अब मेरी बेटी भी मेरे कद जितनी होती जा रही थी, जिसका नाम मैंने मारिया रखा था। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दुबली पतली थी और यह बड़ी ही अजीब बात थी कि हमारे खानदान में पतली लड़की थी जिसका रंग बहुत ज्यादा साफ था, लेकिन मेरी बेटी बहुत ज्यादा मासूम थी क्योंकि मैंने सारी जिंदगी उसे अपने गले से लगाकर छुपा के रखा था। यह सोचकर मेरी एक औलाद दोबारा कोई औलाद नहीं हो पा सकती। अगर उसे भी कुछ हो गया तो मैं औलाद हो जाऊंगी। और पूरी जिंदगी सारी जरूरत से ज्यादा हिफाजत से पाल कर रखा था और उसका नुकसान यह हुआ कि वह जरूरत से ज्यादा मासूम थी। उसे किसी बात का पता नहीं था। मैं लड़कियों के साथ खेलने जाने के लिए नहीं छोड़ती थी। इस तरह उससे किसी से दोस्ती का कभी कभी खतरे अंदरूनी भी होते थे। खैर, यह एक लंबी बात है। ये मेरी बेटी थोड़ी जवान हो गई थी। मेरे पति ने मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करना शुरू कर दिया था, जबकि सारी जिंदगी उसे दुत्कारता ही रहता था। कहता था कि तेरी वजह से तूने अपनी माँ को बांझ बना दिया और मेरे बच्चे इस दुनिया में आने से रह गए। मैंने तो दर्जनों बेटा पैदा करने थे, लेकिन ये सब किस्मत का खेल था। मैं कहती थी कि इसमें बेटी का कोई कसूर नहीं, लेकिन अभी तक वह मेरी बेटी से नफरत करता था, उसे ताने देता था, अब अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाता था, उसे अपनी बेटी नहीं मानता था, उसके सर पर प्यार से हाथ नहीं रखता था। लेकिन आज तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वह मेरी बेटी को अपने पास बैठा कर बैठा और उसने बहुत प्यार से बात कर रहा था। वह कह रहा था कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं, एक दो दिन के लिए शहर जा रहा हूं। मेरी बेटी भी हैरान नजर आ रही थी। उसने कोई चीज बता दी, उसने उठकर कमरे में चली गई। मैंने अपने पति से कहा कि आजकल बहुत प्यार आ रहा है अपनी बेटी पर, तो कहने लगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे एहसास हो गया कि अपनी हर बुढ़ापे का सहारा, मैं भी तो पागल था, बस यही सोचा था कि नस्लें बढ़ जाएंगी, लेकिन अगर ये मेरे नसीब में नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तेरे साथ नहीं, उस ऊपर वाले के साथ जिद लगाई थी और ईश्वर के साथ जिद नहीं लगानी चाहिए। यह भी मेरी बेटी है और इससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करूंगा। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। चलो कि इंसान समझ आया पर देर आया। मैंने कहा उसे कि अब तो मेरी जवान हो रही है, दो दो साल तक इस शादी हो जाएगी पर छोड़कर चली जाएगी। तुमने सारे साल बर्बाद कर दिए, कितनी प्यारी थी, अब छोटी सी थी वह भाग कर तेरे पीछे जाती थी, तुझे बाबा बाबा करती थी, तू उठाता नहीं था। इस बात पर मेरे पति ने आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा कि मैंने वाकई काफी सारा वक्त बर्बाद कर दिया, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। मैं अपनी बेटी से बहुत छोटी थी तब मैं उसके पास उसके बाप के साथ नहीं छोड़ती थी, वह सोच कर किसी की उसको गुस्सा ना आ जाए कि मेरी बेटी को मार ही ना डाले। लेकिन मुझे यकीन हो गया कि अब दिल में वाकई उसकी बेटी की मोहब्बत जाग गई है। आखिर वह उसका अपना बाप था, कोई सतैला नहीं था। इसी तरह गुजरने लगे और वह दोनों बहुत ज्यादा करीब आ गए। तो लम्हे उन्होंने एक दूसरे के साथ नहीं गुजारे थे, अब वह गुजार रहे थे। और इस तरह दिन परत बाजार चल रहा था, तोहफे भी ले आता था, सब कुछ खाने पीने का ध्यान देता था, कोई ना कोई चीज तो जरूर लेकर आता था। मुझे आज भी कल एक जगह नौकरी मिल गई थी, एक सेंटर था जहाँ मैं जाकर कपड़े सीने थे। एक सूट के साथ काफी सारे पैसे बच रहे थे। मैं घर में कपड़े सीती तो घर में कामों में लग जाती, लेकिन यहाँ पर जाती तो दिमाग सिर्फ काम ही रहता था। पहले मैंने यह काम करने का इनकार कर दिया, लेकिन अब सोचा कि पति देव खाली है मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए, तो जवान बच्ची को घर में अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकती थी। लेकिन आजकल हालत कुछ और थी, इसलिए मैंने सोचा कि काम कर लेती हूँ और ये काम करने के लिए रोज जाती थी। शाम को वापस आती तो मेरी बेटी रोज मुझे खुशी खुशी बताती कि बाबा ने मुझे यह चीज ला कर दिया, आज वो मेरे लिए यह सूट लेकर आए, आज हम यहाँ गए थे और मैंने गोलगप्पे भी खाए, आइसक्रीम खाई। लेकिन कुछ दिनों से मेरी बेटी मुझे ये सब बातें नहीं बता रही थी, बल्कि कहीं खोई खोई हुई थी।
मैंने कहा, क्यों आजकल पापा बाहर नहीं जाते क्या? वो कहने लगे, फिर तो मुझे क्यों नहीं बताती, तो पूरा दिन क्या किया है, मैं तो काम ही करती रहती हूँ, तुम दोनों तो मजे होते हैं। मुझे बताया तो करो, कम से कम सुनकर खुशी हो जाया करेगी। मैं अपनी बेटी से मुस्कुराकर बात कर रहा था क्योंकि उसके लिए खुश थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही थी। फिर मेरी बेटी बीमार रहने लगी, कभी कहती मेरी कमर में दर्द होता है, कभी कहती मेरी टांगों में दर्द है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। एक ही डॉक्टर थी जो हमारे पूरे गाँव में, उससे बात की तो उसने कहा कि बच्ची जवान हो रही, इसलिए वह सब कुछ हो जाता है, ये कुछ फिक्र मत करो, जब इस दर्द से वह गोली दे दिया करो, उसकी खुराक बेहतर करो, दूध वगैरह दिया करो, ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और अजीब बात यह भी थी कि आजकल मेरा पति बस वैसे ही खुश था, उसका मूड भी बहुत अच्छा था, काफ़ी दिनों से उसने मेरे साथ झगड़ा भी नहीं किया था, घर में पैसे भी ला रहा था, लेकिन मुझसे दूर दूर भाग रहा था। हमारी कौन सी इतनी उम्र हो गई थी कि हम लोग इतना खुश थे, थोड़ी सी मोहब्बत मेरे साथ भी बांट सकता था, सारी ज़िंदगी मेरे साथ लड़ता रहा, लेकिन अब उससे दूर भाग रहा था जैसे कोई उसके मैं उसकी गैर हूँ। उस बात को पर थोड़ी हैरान थी, लेकिन मैं इतने काम में थे कि पास कुछ सोचने करने के लिए वक्त ही नहीं था। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा कि बेटी के लिए रिश्ता देखते हैं, उसने कहा अभी, तो मैंने कहा कि रिश्ता होते हुए भी 1-2 साल लग जाते हैं और शादी भी तो जवानी में ही होनी चाहिए, अभी तक हम लोग भी जवान हैं और हम देखो ईश्वर करे हमारी बच्ची भी जवान हो गई है, हम कौन सी नौकरी करवानी है, हमें जब कुछ नहीं करना वाला तो शादी करवा देते हैं। मेरे पति ने कहा कि नहीं अभी तो नहीं, अभी तो ये बहुत छोटी है, मैं इसकी शादी 20 साल तक में करूँगा, जब तक ये 20 साल की हो जाएगी। मैंने कहा 20 साल बहुत ज़्यादा है, 18 साल ही सही है। उसने कहा कि नहीं, जब तक लड़की समझदार ना हो जाए उसकी शादी नहीं करनी चाहिए, इससे पहले कि उसकी शादी करना जुर्म होता है। मैंने कहा कि काश मेरे बारे में कोई ऐसा सोच लेता, उसने भी 16 साल की उम्र में जुर्म करना शुरू कर दिया था। उसने कहा था कि तुम अनपढ़ लोग हो, हमें किसी का पता नहीं है, कोई मशवरा देने वाला नहीं, हमारे माँ बाप भी हमारी तरह से थे, लेकिन अब हम इस दुनिया देख ली है, आज हम ऐसा फैसला नहीं करेंगे कि फिर हमारी एक ही बेटी है। मेरे पति ये बात बड़े प्यार से ही, वरना सारी जिंदगी इस बात पर उसने मेरी ताना ही बनाया, एक बेटी देखकर बैठ गई, उसके बाद बाज हो गई, क्या करूँ मैं इसका, ये कोई नस्लें थोड़ी बढ़ाएगी, ये तो मेरे खर्च करवा कर अपने चली जाएगी। बहुत दिल दुखाया था मेरे पति ने, लेकिन मैंने उस पर भी माफ कर दिया, ये सोचकर कि मेरी बेटी का बाप है, लेकिन मुझे पता चला कि एक दिन कुछ ऐसा कर बैठेगा जिसे मैं माफ़ नहीं कर पाऊंगी। एक दिन मुझे मेरी बेटी की तबीयत बहुत सुबह ही बहुत ठीक नहीं लग रही थी, और ऐसा हुआ कि वह दोपहर में बेहोश हो गई, मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर ने ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई, बेटी बिल्कुल भी नहीं थी। उसने कहा कि आपकी बेटी साथ वहीं हो रहा है जो होना चाहिए। मैं अपनी बेटी को घर लेकर आई, फिर उसके मुँह पर थप्पड़ मारकर पूछा कि तुम किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं चलाया, तो मेरे पैरों पर गिर कर रोने लगे कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर मुझे उससे ऐसी बात बताई कि ऐसा कुछ आसमान से मेरे सर पर गिर गया, मेरे पैरों नीचे जमीन खिसक गई, दुनिया के सारे पत्थर मुझे लग रहे थे, मेरी आंखें भर के अपने आप कमरे में बंद हो गए। 2 घंटे बाद बाहर निकली तो बेटी ने पूछा कि झूठ तो नहीं बोल रही, उसने कहा सच बोल रही हूँ। फिर रात के मेरे पति ने ऐसे मंजर देखा कि मैं हैरान रह गई, मेरी अपनी बेटी ने अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। मेरे पति ने कहा कि उसे क्या हो, क्यों सुलाया, इसका तो अपना कमरा है। मैंने कहा कि अब से यही होगा, वो उसने कहा कि फिर से कहाँ जाऊँ, मैंने कहा कि तुम जहाँ मर्जी चले जाओ। उसने कहा कि तुझे क्या हो गया, मुँह क्यों बना रहे हो, मैंने कहा कि मैंने मुँह नहीं बनाया, अपनी बेटी को गले से लगाकर सो रही हूँ, अभी भी मेरी आंखों में आंसू निकल रहे थे। अगले दिन मैंने काम पर जाना भी छोड़ दिया, फिर वह मेरे घर पर कपड़े सीने लगी। मेरे पति ने कहा कि काम पर क्यों नहीं जा रही हूँ, मैंने कहा कि काम छोड़ दिया, मैंने इस बात पर हैरान रह गया। उसने कहा कि इतना अच्छा काम था, मैंने कहा कि हाँ मैंने छोड़ दिया, पर वैसे भी क्या अच्छा अच्छा हुआ बुरा मेरे दिल में किया करने का, तो मैंने कि छोड़ दिया, अभी तो इसमें ऊपर तवज्जो दे रहे हो, तू कर रहा अच्छी बात है, इसलिए मैं अपने बदल मेरे पति को मुझे हैरान होकर पता नहीं क्यों बोलती जा रहती थी ये पागल औरत। दरअसल उसको मेरी बात समझ आ गई थी कि तक कोई छोटा बच्चा नहीं था। मेरा इशारा यही था कि वह अपने आप को सुधार ले और इस बात पर लड़ाई करता है तो कमरों से निकले। मैंने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी, वैसे भी तुम्हारा मेरे बगैर गुजारा होता है तो अब क्या है। उसने कहा कि पत्नी हो तुम मेरी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी के साथ मेरी सोई रहेगी, अगर तुमको कोई मसला है तो अपनी बेटी के कमरे में चली जाऊँगी। लेकिन उस कमरे में अंदर दरवाज़ा नहीं था, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, हम लोग गरीब थे, हमसे एक दरवाज़ा भी नहीं लगाया जा रहा था। दिन इसी तरह गुजरने लगे, मेरी बेटी की तबीयत ठीक होने लगी, मैं घर में गम काम करती थी, मुझे बहुत नुकसान हो रहा था, घर में हालात फिर से ख़राब हो रहे थे, मेरे पति ने सामान लाना फिर से छोड़ दिया था, अब मैं उसके साथ अपनी बेटी को कहीं बाहर नहीं जाने देती थी,
मैं कमरे में सुकून से सो रही थी। मुझे खाना बनाकर पहले ही किचन में रख दिया था। मेरी बेटी ने मुझे जगाया और कहा, भूख लगी है, आकर खाना खा लो। मेरा पति भी बाहर बैठा था। हम लोग एक ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। मैं कहूँ कि आधी रात को मेरी आँख खुली तो यह देखकर कमरों में तले जमीन निकल गई कि मेरी बेटी तो मेरे पास नहीं थी, घूर रही थी। सारा मामला समझ में आ गया। उसने कहा कि जाकर सोकर चल यहाँ से। उसने खाने में नींद की दवाई मिला दी, वरना मुझे कभी भी ऐसी बेहोशी वाली नींद नहीं आती थी। मुझे पता नहीं था कि मेरी बेटी कब उठकर गई। सुबह मेरी बेटी को बुखार था, उसको होश ही नहीं आ रहा था। मैं फौरन उठी और वॉशरूम की तरफ गई। वहाँ लेकिन वहाँ मैं पर भी नहीं था। उसके बाद मैंने मंजर देखा कि मेरे कदमों तले जमीन निकल गई, कि मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी और मेरा पति चारपाई पर बैठा था। मैं उसे कुछ पल देखती रही। उसने कहा कि क्यों पागलों की तरह मुझे परेशान थी। एक मोहल्लेदार औरत उसके पास बैठा और दिल से एक फैसला कर लिया। वो मोहल्ले में गई, उसने उस आदमी से मिली जो शर्मिंदियों से भिगोने किराए पर दे रहा था। मैंने उससे कहा कि बड़े भिगोने चाहिए। उसने मुझे दिखाया कि मैंने कहा कि मुझे भी बड़ा भिगोना चाहिए। उसने कहा कि सारे मोहल्ले के लिए खाना बनाना है। मैंने कहा कि आप यूं ही समझ लें, मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा भिगोना दे, चूल्हा भी चाहिए। उसने कहा कि ठीक है और मुझे सामान दे दिया। वह सामान घर पे ले आई। रात को बिजली खराब थी, पूरे मोहल्ले में बिजली खराब थी, लेकिन सर्दियाँ थी इसलिए सारे सुकून से सो रहे थे। बहुत खामोश थी। सुबह हुई तो मेरी आँख जल्द से जल्द खुल गई। मैं जब अपने कहा मैं बस थी, लेकिन अचानक दरवाजे की कुंडी कुछ नहीं बनने लगी। अंदाज से ऐसा लगता था कि जैसे वह पुलिस वाला या फिर कोई डाकू हो। बहुत बुरी तरह से कुंडी बज रही थी। मैं घबरा गई। मैंने फैसला कर लिया कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मेरी बेटी भी उठकर गई। उसने कहा कि मम्मी क्या हो रहा है, आप क्या कर रही हो, मैं इतना खाना किसके लिए पका रही हूँ और बाबा कहाँ हैं। मैंने कहा कि उसको बाप कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी ने मुझे देखा, उसके मुँह से चीख निकल गई। उसने कहा कि आपके कपड़ों पर क्या लगा हुआ है। मैंने कहा पागल, ये तो वॉशरूम में गिर गई थी इसलिए कहीं जगह चोटें लग गई, इसी वजह से मेरे कपड़ों पे ये सब लग गया। तुम घबराओ नहीं, तेरी मैं माँ हूँ ना, ये सब ठीक कर दिया। लेकिन बाहर बार बार कुंडी बज रही थी। उसने कहा दरवाजा पर कौन है, ये हमारे घर का दरवाजा क्यों तोड़ रहे हैं। मैंने कहा कि अपना सामान उठा और बराबर वाली के घर चली जा, वहाँ पर रहना जब तक मैं तुझे लेने के लिए नहीं आती। मैं बहुत घबरा गई थी। उसने उसका थोड़ा बहुत सामान पैक करा दिया और बाहर वाली के घर भेज दिया। धन्यवाद। कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यह स्टोरी आप अपने मनपसंद की है या नहीं है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि वीडियो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।